मूर्ति को मंडप के नीचे बुलाया जा रहा है, लेकिन लंबाई की वजह से, शर्म की वजह से रेवती मंडप के नीचे नहीं आ रही है। तो सभी सखियों ने रेवती को समझाया, आए समझा बुझा करके रेवती को मंडप के नीचे खड़ा किया। बड़े विधि विधान से आज रेवती का विवाह बलराम के साथ में हुआ है। तो कन्हैया भाभी को देख करके मुस्कुराने लगे। देव ऋषि बाबा नारद पूछने लगे, कन्हैया क्या बात है, क्योंकि तुम जब जब अपनी भाभी की तरफ देखते हो तो बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है। तो उसी समय भगवान कन्हैया समझाते हुए बाबा से कहने लगे, बाबा कि कैसे गुजर होई भैया की इतनी लंबी घरवाली सजा प्यारी कन्हैया ने जवाब दिया तो देव ऋषि बाबा नारद बलराम के पास में खड़े हुए कहने लगे, बलराम